नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और अमिताभ बच्चन का है जब गम में डूबी रेखा शराब पीने लगी, ड्रग्स तक लेने के उन पर आरोप लगे। ये रेखा की मोहब्बत का किस्सा है। रेखा का जन्म साउथ सिनेमा के महान एक्टर जिमनी गणेशन के घर में हुआ था। उनकी माँ पुष्पावल्ली भी एक्ट्रेस थी, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल से ज़्यादा नहीं कर पाई। कुछ एक फिल्मों में बतौर हीरोइन भी दिखी। रेखा को बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला। परिवार की आर्थिक तंगी ने रेखा को फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया। फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं होने पर भी 13 साल की उम्र से ही वो फिल्मों में काम करने लगी, जो अब तक जारी है। बचपन में पिता के प्यार दुलार से महरूम रहीं और बड़ी होने पर जीवन साथी का प्यार नसीब नहीं हुआ। चमक दमक से भरी अस्थिर जिंदगी उन्हें नशे के करीब ले आई। रेखा के अफेयर के किस्से खूब चर्चित हैं। कहते हैं कि एक्ट्रेस के पति मुकेश अग्रवाल उन्हें बहुत प्यार करते थे, बाद में उनके बीच मतभेद की खबरें सामने आईं। एक दिन जब मुकेश अग्रवाल के निधन की जानकारी मिली तो रेखा के चाहने वाले हैरान रह गए। एक्ट्रेस को खूब बुरा भला तक कहा गया। उनकी विनोद मेहरा, जितेंद्र, संजय दत्त और अक्षय कुमार सरीखे अभिनेताओं से अफेयर की खूब बातें होती थीं, पर सबसे ज्यादा ध्यान अमिताभ बच्चन संग उनकी मोहब्बत ने खींचा। रेखा आज बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। फिल्मों के उलट उनकी निजी जिंदगी काफी अस्थिर रही। हालांकि एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कहा गया हो, पर वो उससे बेपरवाह रही, बल्कि अपनी इमेज की परवाह किए बिना उन्होंने बेबाकी से अपने अफेयर और जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बातचीत में सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा था कि कभी आपकी शराब पीने की आदत के बारे में नहीं सुना, तो रेखा ने कहा, मैं यकीनन शराब पीती हूँ, ड्रग्स भी लिया है, मैं अपवित्र हूँ और वासना से भरी हुई हूँ। दुनिया में पर्दे के पीछे यूं तो हर तरह के काम होते हैं, पर रेखा की तरह इतनी साफगोई से बात कहने के लिए वाकई साहस चाहिए। 80 साल के अमिताभ के साथ रेखा का नाम हमेशा जोड़ा गया। कहा गया कि रेखा खुद को अमिताभ की पत्नी मानती हैं, और इस बात को तब और बल मिला जब एक्ट्रेस ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची। आज तक वो तस्वीर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। जब सिमी ग्रेवाल ने रेखा से अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया तो एक्ट्रेस ने कहा, कोई भी उनसे प्यार करेगा, फिर क्या मैं अलग हूं? मैंने किसी बात से इनकार किया है? क्या मैं उनसे प्यार नहीं करती? यकीनन मैं उनके प्यार में हूं। 68 साल की रेखा ने साउथ सिनेमा में कुछ वक्त काम किया और फिर 1970 में फिल्म सावन भादो से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और ये कदम इतना मजबूत कि आज तक लगता है जमा हुआ है, और रेखा हमेशा की तरह जमा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।